पालक भाजी है, इसे हम अभी चॉप करके कढ़ाई में थोड़ा गरम कर लेंगे मसाला डाल के। पालक भी चॉप करके रेडी है, इसको वॉश करके अच्छे से इसको कट कर लिया है और डायरेक्ट इसको छोंकना है। हम आज बनाएंगे पालक पूरी, तो इसके लिए हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तो ये जो है ना, इसमें ही सारे मसाले करके पालक को पका लेंगे। 2 स्पून ऑयल डाला है, गरम हो गया है। चलो अब इसमें डालते हैं हींग और इसको थोड़ा छोंक लेते हैं। ये पालक है ना, बाद में बैठ जाती है, इसलिए अभी लगता है कि फूल है, लेकिन वो बिल्कुल पानी उसमें निकलता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। अभी इसमें सारे मसाले कर, जब ये छोंक डालते हैं ना, जब हो गया है तो हींग डाल के आप सीधा पालक डाल सकते हैं। कोई भी चीज़ हो, ऐसे करके सीधा है ना, उस जल ना जाए, इसलिए बस अभी सारे मसाले करेंगे हम। हल्दी 1/4, रेड मिर्ची पाउडर, ये कश्मीरी मिर्च है 1/2 स्पून, और ये मेरे पास वो रेशम पट्टा आता है ना, तीखा मिर्ची वो है। धनिया पाउडर और सॉल्ट, सारे मसाले करके हम इसी से पालक का आटा बनाएंगे। अभी इसे थोड़ा बंद करके चढ़ने देते हैं। इसमें थोड़ा स्पून, ये जो है ना, 1 इंच सोडा डाल सकते हैं, ताकि इसका कलर वैसा ही रहेगा। बस इतना पिंच डालना है, उतना ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा गार्लिक चटनी भी ऐड करती हूँ, अच्छा लगेगा, पालक है ना उसके साथ टेस्टी लगता है। एक आटा जो हम नॉर्मल बनाएंगे, उसमें सिर्फ तेल और नमक डाला है, तो ये आटा सादा बना के और एक पालक वाला बनाएंगे। पालक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, हम इसी से आटा गूंद लेंगे। जो एक्स्ट्रा पानी है आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो अब अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं हुआ आटा बनाने के लिए। अभी हमारा पालक रेडी है। ये बड़ा साइज का मैंने एक लोई लिया है। आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसे बनाना है। और आटा रेडी हो के अभी इसको हम बेल लेंगे चकवा बेलन से, ये तो आप इसके ऊपर भी कर सकते हो। दोनों तरह का आटा बनाया है, ये पालक का आटा भी रेडी है, और इसमें से ऐसे बड़ा लोई लेके इसे इतना बड़ा बेल लिया है। जैसे ये वाइट कलर का इस, ये प्लेन आटा है ना, वो भी किया, उसको भी रोल आउट कर दिया, और ये भी रोल आउट करके अभी इसको इसके ऊपर रख के एक के ऊपर एक रख दिया। और अभी इसको हम ऐसे रोल कर देंगे टाइट से। साइड का है ना वो सब बंद कर देना। ये जो रोल आउट रोल कर दिया ना, अभी इसको हम थोड़ा से प्रेस करके दबा देंगे। नाइफ से इसको कट लगा देंगे, फिर इसको पूरी बनाएंगे।
इसको साइड का हटा देना ऐसे करके, छोटी छोटी पतली पतली कट करेंगे। देखिए इसके अंदर ऐसे डिजाइन दिखेगा मस्त, दो कलर दिख रहे हैं ना, वैसे हमारी पालक पूरी बनेगी। इसको ऐसे प्रेस करके हम इसको पूरी जितना बना लेंगे और तल लेंगे, डीप फ्राई करेंगे। चलिए हमें सारी पूरियाँ बेलकर रेडी कर दिए, और देख रहे हैं ये अच्छे से डिज़ाइन दिख रही है ना, गोल मस्त, ये अच्छा बनता है, देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और खाने में भी। तो अभी हम इसे तल लेंगे। हमने तेल गरम करके रख दिया है और तेल में डाल देते हैं। तेल हमारा बराबर से हो गया है, आपको अगर देखना है ना तो इसमें थोड़ा सा ऐसे आटा डाल के देख सकते हैं, ये तेल आ गया है ऐसे दिख रहा है। ऐसे भी करेंगे तो थोड़ा गर्म लगता है। देखिए हमने एक पूरी डाल दी है, बिल्कुल हो चुकी है, और थोड़ा होने के ये वाला। हाँ चलिए हो गई पालक पूरी, नाश्ता के लिए तैयार। चाय के साथ भी आप खा सकते हैं, नाश्ते में भी खा सकते हैं, है ना करारी।